दोस्तों भारतीय स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मंधना हुई रातों रात मालामाल, और साथ ही नीलामी के बाद पाकिस्तान मीडिया का भी आया हैरान करने वाला बयान। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी महिला आईपीएल का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सोमवार को मुंबई में हुई WPL की नीलामी में कुल 409 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 246 भारतीय खिलाड़ी और 169 विदेशी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। और भारतीय स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधना पर सबसे पहले बोली लगाई गई, और बोली लगाते ही RCB की टीम ने 3.4 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। और मंधना वुमेन आईपीएल में बिकने वाली अब तक की सबसे महंगी खिलाड़ी है, और वह अगले महीने शुरू होने वाली WPL में RCB के लिए खेलते हुए नजर आएंगी। और यह भी बताया जा रहा है कि मंधना को RCB का कप्तान भी बनाया जा सकता है। आपको बता दें, पहले महिला IPL सीजन में कुल 5 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें मुंबई इंडियंस महिला, दिल्ली कैपिटल्स महिला, RCB महिला, UP वॉरियर महिला और गुजरात जायंट्स महिला की टीमें हैं। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं महिला IPL नीलामी के बाद पाकिस्तान मीडिया ने क्या कहा। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ने कहा, अगर हमारे खिलाड़ियों को भी IPL खेलने का मौका मिले तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन ये कभी संभव नहीं हो पाएगा, और हम IPL से PSL को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हम IPL से अभी बहुत पीछे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।